अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे भारत किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी अपने परिवार और साथियों के नाल नतमस्तक होने लिए पहुंचे, जिथे उन्होंने वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेकया गया और उत्थे ही इलाही बाणी का सरवण भी किया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि असी अज किसानी अंदोलन की चढ़ती कला वास्ते अरदास करन पहुंचे हैं, जदों तक सरकार साडियां मंगां मन नहीं लैंदी असी मोर्चा इस तरह ही जारी रखांगे। मेरा नाम गुरनाम सिंह चड़ूनी है, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का प्रेसिडेंट। हरिमंदर साहब तो असी अज दर्शन करने वास्ते आए सी, परिवार के नाल दर्शन करने वास्ते आए सी, ते उस स्मारक नूं याद जरूर कर लेना चाहिए कि अज साडा परिवार सुखी वसदा है, उस स्मारक की दया है तो उन्हें याद करने वास्ते हरिमंदर साहब आए जी, महाराज के दर्शन करने वास्ते आए सी दरबार साहब। दिल्ली का मोर्चा जिहड़ा लग्या होया है, मैं परसों दिल्ली के मोर्चे तो आया सी, ते मोर्चा उदों तक लग्या रहेगा जदों तक असी ये अंदोलन जीत नहीं जाते। हुण कोरोना की वजह नाल कोई वड्डा प्रोग्राम कोई इस तरह का प्रोग्राम जिहदे नाल लोकां नूं ये लगे कि ये ठीक नहीं है या जिहदे नाल कोई बीमारी होर वधण दा खतरा, उस तरह का असी प्रोग्राम कोई नहीं करांगे। पर जिहड़ा मोर्चा लग्या होया जिस तरह लग्या होया इस तों असी पिछे नहीं हटांगे। हालांकि जिहड़ी सरकार की राजनीति है या सरकार की जिहड़ी चाल है वह है कि भी करोना करके इस अंदोलन को उस तरह बदनाम करता जाए जिस तरह मुसलमान अंदोलन मुसलमान बदनाम किए थे कि मुसलमानों ने जिहड़ा है करोना फैलाता है बड़ा उन्होंने खिलाफ़ प्रचार किया, उस तरह एक किसान अंदोलन के खिलाफ प्रचार करके इस अंदोलन बदनाम करना चाहते हैं, जिदे तो असी चौकसा जिदे तो साडी नज़र पूरी तरह बनी हुई है, ते ये अंदोलन उदों तक जारी रहेगा जदों तक सरकार साडी गल्लां मन नहीं जांदी। MSP का कानून नहीं बना दिंदी, ते तिन्ने जिहड़े काले कानून ने वो वापस नहीं ले रहे। ये राजहट है, राजहट जड़ा राजट का नतीजा है वो ना तो जनता वास्ते देश वास्ते ठीक रहता है ना वो अपने वास्ते ठीक रहता है। जे आप इतिहास फरोल के देखिए आप अज तक का राजहट जिन्हें भी किया है, रावण ने राजहट किया, हालांकि लड़ाई टल सकती सी पर उन्हें टालनी नहीं चाही, हंकार ने मार लिया तो परिवार भी तबाह होया, सोने की लंका भी तबाह हो। इस तरह जड़ा है दुर्योधन ने राजट किया, ये राज भी गया, वड्डा परिवार सी वो परिवार भी गया। इस तरह जड़ा मोदी हुण कर रहा है ये राज भी जाएगा ये BJP नूं तबाह भी करेगा। ये साडी ते सगों कई बार असीं कहिंदे आ भी जिहड़े RSS वाले ने उन्हां नूं स्टैंड लेना चाहीदा है, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी पॉलिसी आ उस मुताबिक मोदी नहीं चल रहा, ये तो देश नूं बेच रहा है, देश नूं जिहड़ा गुलाम बना रहा है, गरीब होर गरीब हुंदा जा रहा है, मरदा जा रहा है, अमीर होर अमीर हुंदा जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं उहदे कोल किन्नी अथाह संपत्ति है। तो ये जिहड़ी पॉलिसी है ये देश नूं तबाह करेगी, देश का पूरा कारोबार खेती कारोबार सारा कारपोरेट कोल जा रहा है, देश का बाजार का कारपोरेट कोल सारा कारोबार कारपोरेट कोल जा रहा है, मजदूरों के कानून बदल दिते ने उन्होंने भी होर मेहनत ज़्यादा करनी पेगी तो आमदन घट होएगी। तो ये सारा जिहड़ा है ये मोदी के हंकार का मोदी की हठ धर्मी का नतीजा है जिहड़ा देश नूं भी तबाह करेगा तो अपनी पार्टी नूं भी तबाह करेगा। मोदी नूं की कहना चाहांगे, असीं दरबार साहब दे विच खड़े हाँ, ये परमात्मा उन्हूं सदबुद्धि दे, अजे भी सदबुद्धि दे, जनता दे विच रब वास करता है, जनता दे विच परमात्मा वास करता है, जनता सर्वोपरि हुंदी है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं हुंदा, ये व्यक्ति नूं सर्वोपरि अपने मित्रां नूं सर्वोपरि मन रहा है, तो देश की जनता उन्हूं समझ ही कुछ नहीं रहा, ये खुदा ते खुदी का जिहड़ा टकरा है वह हो रहा है। तो मोदी नूं समझ जाना चाहिए, उन्हूं जनता के पक्ष के कानून बनाने चाहिए ने, ना कि कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाने चाहिए। आवाज़ी कम टीवी लई अमृतसर तो पत्रकार ललित शर्मा की रिपोर्ट।